भगवान विष्णु हो। और चैनल देखने वाले सबको मेरा नमस्कार। और ये हमारे प्रोड्यूसर है रामा प्रसाद। नमस्ते। और ये हमारे दोस्त और कोरियोग्राफर और कॉमेडियन महेश आचार्य। सर बात करें एक साथ चार फिल्मों का, क्या कहना चाहेंगे एक साथ? मैं इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रामा प्रसाद प्रोडक्शन के साथ इसके पहले अर्धनारी और पुरुषाराम हम लोग किए। वो पिक्चर बनते बनते हम लोग के अंदर इतनी ट्यूनिंग हो गई कि बस आप दोस्त समझिए, छोटा भाई समझिए, एकदम पारिवारिक रिश्ता हो गया। उसके बाद हम लोग आगे का प्लानिंग किए ये चार पिक्चर मुहूर्त करने का, और आज मुहूर्त किए और अघोरी फिल्म आज से हमारी शुरू हुई है। और इसके बारे में महेश जी कुछ बताएंगे। इसमें आप कोरियोग्राफर भी कर रहे हैं और इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं थ्रू आउट। जी महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्शन में, रामा प्रसाद प्रोडक्शन में, मैं पहले भी फिल्में कर चुका हूँ, तो दो फिल्में मैंने की, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये फिल्म तो खैर नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, अघोरी एक अपने आप में एक वजूद है, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ये। तो इस पर अभी हम लोगों ने आज से शूटिंग शुरू की है लखनऊ में, और राजू भैया के निर्देशन में, राजकिशोर प्रसाद जी इनके निर्देशन में मैंने काफ़ी फिल्में की है। इनके साथ हमारा बहुत अच्छा ट्यूनिंग है और मेरा सौभाग्य है कि इन रामा प्रसाद प्रोडक्शन में मैं जुड़ा हूँ। और इस फिल्म में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, गाने कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, और बस आज गाने शुरू हुई है, आज हम लोग गाना कर रहे हैं। रामा जी क्या कहना चाहेंगे, आपको लगातार फिल्में बना रहे हैं? बस मैंने दो फिल्में किए थी, फर्स्ट मेरी अर्धनारी और परशुराम था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर मैंने फिर से अपना ये चार फिल्म का मुहूर्त किया आज, और मेरी फर्स्ट फिल्म की शूटिंग आज लखनऊ में स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, अघोरी एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे बन रहे हैं, जैसे मेरी अर्धनारी डिफरेंट थी वैसे अघोरी भी मेरी एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार कास्ट देखिए, सब देखिए, सब बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। और पहली बार जब रामा प्रसाद अपने प्रोडक्शन में फिल्म बनाए थे तो दो लेके गए थे साथ में, देशभक्त परशुराम और अर्धनारी। दूसरी बार निकले फिल्म बनाने तो चार ले गए हैं, अब अगली बार निकलेंगे तो आठ ले गए हैं, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। नहीं सही है, सही है। थोड़ा डिफरेंट क्या है ना, थोड़ा डिफरेंट फिल्में बननी चाहिए। वो सब सास बहू टाइप के बहुत सारे अभी फिल्में बन रही हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा डिफरेंट ये लगे कि हाँ कुछ अच्छे अच्छे फिल्म भी भोजपुरी में आ रहे हैं। तो राजकिशोर जी, राजू जी डायरेक्टर, यश कुमार जी हीरो, हाँ ये कॉम्बिनेशन कैसे मतलब? नहीं नहीं एकदम, यश भाई तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, राजकिशोर जी, राजप्रसाद जी जी हम लोग पहले काम किए थे, मैं प्रोडक्शन कर रहा था, ये डायरेक्टर थे, तो इनका काम मुझे अच्छा लगा था। जब मैंने अपना होम प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने इनको रखा, एक बड़े भाई के जैसे है मुझे, तो मुझे समझ रहे हैं आप। सर आप बताइए ट्यूनिंग कैसे जम रही आपकी, इधर हीरो है इधर रामा जी? देखिए यश भाई का बहुत सहयोग रहा शुरू से लेके आज तक रामा भाई के प्रोडक्शन में, और हम लोग को एकदम घर जैसा बिहेव करते हैं, घर जैसे काम करते हैं, जैसा उनको लगता है कि ये जैसा होम प्रोडक्शन है उस तरह से। तो काम करते करते ऐसा ट्यूनिंग बन जाता है तो फिर रिपीट वैल्यू तो बनता ही है। और इनका नेचर ऐसा है कि एक बार जो इनके साथ जुड़ जाएगा रामा भाई के साथ, वो फिर इनको छोड़ेगा नहीं। तो हम लोग का रिश्ता ऐसा है कि अभी बहुत लंबा चलने वाला, ये भी नहीं छोड़ते हैं, ये भी नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत लंबा चलेगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके मुझे, और बाकी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी हम लोग बना रहे हैं। बाकी दर्शकों से यही है कि आप लोग देखिए, और हमारी फिल्म को जैसे अर्धनारी को प्यार और आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी आगे की फिल्मों को भी प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम लोग का हौसला बढ़ता रहे और हम लोग इसी तरह फिल्म बना बना के दर्शकों के सामने पेश करते रहें। अर्धनारी के कलाकार जो अपना ये अघोरी के कलाकार की बात करें, अघोरी में हमारे यश मिश्रा जी हैं, और यामिनी सिंह जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, मनोज टाइगर है, अमित शुक्ला है, महेश जरे जी हैं, सुबोध सेठ है, सोनिया मिश्रा है। सर अच्छा स्टार कास्ट, बहुत अच्छा स्टार कास्ट है, और सब अपने अपने फिट है कलाकार में, सब अपने अपने करेक्टर में फिट है पूरा। भाई जी आप किस रोल में नजर आएंगे, देखिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं। इसमें मैं वो रोल में नजर आऊँगा जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं, एज ए रिपोर्टर टाइप का है मेरा, थोड़ा सा फंकी लुक है, फंकी मूड है, फंकी करेक्टर है, जो लोगों को आज तक हंसाता हूँ। इस फिल्म में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ, और हमारी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी। और एक बहुत बड़ी बात कि जिस तरह से आप लोगों ने अर्धनारी को प्यार दिया, जिसे हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला, हम लोगों को इस रिपोर्ट आई हम लोग के पास,
वैसे ही आप लोग इस अघोरी को या आने वाली हमारी जितने भी फिल्में रामा प्रसाद प्रोडक्शन में इसी प्रकार की बनेगी। टाइप ऑफ मूवी वही होगा। अर्धनारी एक अलग सब्जेक्ट था, अघोरी एक अलग सब्जेक्ट है, शूल एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए लोग 3-3 महीना बैठ के सीटिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, स्क्रिप्ट के हट के हैं तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इस बार हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा। बाकी तीनों फिल्मों के जो इसके बाद शूटिंग है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अभी ये तो हमारी स्टार्ट हो गई, एक के बाद एक हम शूट करेंगे। बीच में एक हमारी कल्लू की भी फिल्म है, शादी बाय चांस, तो हम 10 सितंबर से कर रहे हैं। हाँ जी, दर्शकों से चलते चलते क्या कहेंगे सर? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्म को अगर और बढ़ावा देना है तो थिएटर में जाकर पिक्चर देखें। टीवी पे तो देखते ही हैं, लेकिन जब तक थिएटर में पब्लिक नहीं जाएगी तब तक हम लोग का फिल्म बड़ा नहीं बन सकता। जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जो फिल्म आपको अच्छी लगे वो थिएटर में जाए और थिएटर में फिल्म देखे और हम लोग को बढ़ावा दे, ताकि इससे और अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग बना सकें। थैंक यू। बस हम लोग जब हमें हमारी फिल्मों की जब तारीफ़ होती है तो हमें और हिम्मत बढ़ता है, प्रोड्यूसर साहब की हिम्मत बढ़ता है, डायरेक्टर की हिम्मत मनोबल बढ़ता है कि नहीं अब हमें अच्छी फिल्में बनानी है। सवाल था कि जो है कि भोजपुरी सिनेमा में जब एक नया और बेहतर करने की कोशिश है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी पहले तो सभी प्रोड्यूसर्स को मेरा ढेर सारी बेस्ट विशेस है, शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि आप लोग टाइटल सुन ही रहे हैं, फिल्म देख ही रहे हैं और प्लस हीरो देख ही रहे हैं। अब ये सर है तो कोई ख़राब फिल्म तो नहीं कर रहे होंगे, ऐसी वैसी तो फिल्म करते नहीं है। और सर के साथ काम करने के लिए एक होता है कि डायरेक्टर से जब भी फ़ोन करते हैं ना, कि पहले सवाल होता है कि कौन है हीरो, अच्छा यश जी अभी स्टोरी मत बताइए सर, हो गया हम समझ गए कि ये फिल्म चलने वाली फिल्म है कि कुछ मतलब होगा इस फिल्म का। कोई भी फिल्म सर करते हैं, मतलब मैं इनके मुंह पे नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा सर को पहले से जब हम नहीं काम किए थे तो भी बोलती थी कि सर इंडस्ट्री का अक्षय कुमार है, और अक्षय कुमार तो आज भी किसी से डरते नहीं हैं। हाल में कुछ काम ऐसी बातें भी हुई कि फिल्म बॉयकॉट करने की चल रही थी, तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली, जिसको देखना है देखें, नहीं देखना है नहीं देखें, हमारा इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ऐसे ही हैं सर भी, और फिल्म बहुत अच्छी है, सभी के टाइटल्स जैसे हैं ना वैसी बहुत अच्छी फिल्म है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, बिना मतलब की कोई भी फिल्म नहीं है। यस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चार फिल्मों की मुहूर्त हुई आपकी? चार नहीं, उसमें तीन फिल्में मेरी हैं और एक फिल्म अरविंद अकेला कल्लू की है। सबसे पहले तो भोजपुरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इन्होंने एक बात कहा कि अक्षय कुमार ने कहा कि जिसको मेरी फिल्म देखनी है देखे, जिसको फिल्म नहीं देखनी है मत देखे, वो अक्षय कुमार कह सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। यश कुमार की फिल्म आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ हूँ तो अपने जनता जनार्दन की वजह से हूँ। हाँ, मुझे मेरी इंडस्ट्री से हटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, पर मेरे जनता जनार्दन का प्यार था, उनका आशीर्वाद था कि मैं हूँ यहाँ पर। अभी वही बोल रहे हो सर, हाँ। कि आपके पीछे तो बहुत लगे हुए हैं ना, वही हाँ। वाला मेरा अभी अक्षय कुमार तो वर्सेस ऑडियंस हो गया, आपके वर्सेस में तो बहुत लोग हैं, ऐसे वाला वाला मैंने बोला कि हाँ। वर्सेस में कुछ लोग थे और हैं, और जब रहेंगे? आपके रहेंगे, चलता रहेगा। जब आपके पीछे दुश्मन खड़े हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप तरक्की के मार्ग पर हैं। खैर, हम लोग फिल्म के उस पे आते हैं। आज हमारी तीन फिल्मों का मुहूर्त हुआ है। पहली है अघोरी। अघोरी में ये मेरे बाल हैं और ये लुक मेरा बिल्कुल नहीं है अघोरी का। अघोरी का लुक मैं एक दो दिन में जाएगा सोशल नेटवर्क पे। ये इनके ड्रीम से ये मुझे देख रही हैं कि एक बाबा को इस रूप में देख रही हैं, तो ये इतना खूबसूरत, ये अयामी जी देख सकती हैं इस सूट वूट में। बाकी फिल्म बड़ी अलग है। अघोरी एक अल्टीमेट फिल्म बन रही है। जब हम लोग कहानी पर काम कर रहे थे तो लगा कि नहीं यार फिर कुछ अलग लेकर के आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अलग करूँ। जैसा अभी सब बोलते भी हैं कि यार ये बंदा है तो कुछ अलग करता है, तो उसी अलग के, अब ये नहीं कहूँगा कि फिर से एक बार नया, नया नहीं यार, नया तो ये जो सैटेलाइट पर रेटिंग का दौर शुरू हुआ है ये मेरी फिल्म से शुरू हुआ था, बिटिया छठी माई से। उसके पहले ऐसी फिल्में नहीं बनती थी। परिवार को सिने चैनल पे लाने के लिए मजबूर हमारी कुछ फिल्मों ने किया, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरी फिल्म से हुआ, बिटिया छठी माई से। उसके बाद से छठी माई पे बहुत सारे लोगों ने बनाया वैसी फिल्में, पर वो रिकॉर्ड जो रेटिंग का रिकॉर्ड था वो मेरी ही फिल्म बिटिया छठी माई के पार्ट टू ने तोड़ा। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को। मेरे साथ जो टीम खड़ी है वो बहुत पॉजिटिव टीम है।
अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि यश जी अगर ऐसा नहीं ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर सजेशंस अच्छे होते हैं तो मैं मानता हूँ। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि भोजपुरी को एक इस फिल्म से कुछ नहीं यार, हर दिन पढ़ते हैं कि कुछ नया लेकर आ रहा। कुछ नया तो मैंने आज के 5 साल पहले शुरू कर दिया था, और मुझे खुशी है कि मेरी उस फिल्म के बाद ने लोगों को बदला। मैंने बेटियों के ऊपर फिल्में नहीं बनती थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब से बेटी नंबर वन बनाई, यूँ समझ लीजिए कि हर दिन बेटियों पे ही फिल्म बनती है, वुमन ओरिएंटेड। हाँ, ये तो हो गया। और फिर मैंने अभी मतलब इस कड़ी में चलता रहता है। इसी कड़ी में अभी हमने अचानक से फिल्म एज अ प्रोड्यूसर बनाई थी मैंने लाडो, तो लाडो ने रेटिंग का वो अंबार खड़ा कर दिया जो भोजपुरी की कोई भी फिल्म इन दिनों उस रेटिंग में नहीं थी। यूँ कह लें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म इस समय की लाडो हुई थी। तो मेरी जो मेरा जो जंग है, मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो कंपटीशन है, वो किसी से भी नहीं है, किसी दूसरे एक्टर से नहीं है, खुद मुझसे है। तो मैंने ही अपने रेटिंग को खुद तोड़ करके, लाडो की रेटिंग को तोड़ करके अर्धनारी को खड़ा किया। अर्धनारी की रेटिंग लाडो से ऊपर आई है। अब अर्धनारी की जो रेटिंग है वो विगत कई महीनों से किसी फिल्म की है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए होता है। और जब आपकी अच्छी टीम मिल करके जब अच्छी फिल्म बनाती है तो आप इसी तरीके कीर्तिमान बनाते चले जाते हैं। इसी में अघोरी की शुरुआत हुई है। अघोरी के बाद मैं एक्चुअली रामा प्रसाद डायरेक्टर निर्माता रामा प्रसाद और निर्देशक राजू जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है। एक फिल्म हमने अर्धनारी की जो रिलीज़ हुई उसने मतलब बम्पर हिट हुई है। इसके बाद देशभक्त परशुराम है, उसके बाद ये हम अभी अघोरी कर रहे हैं, अघोरी के बाद मैं करूँगा मृत्युदंड। तो ये दोनों फिल्में जो हैं रामा प्रसाद जी इसके निर्माता हैं, निर्देशक जो हैं अपना राजू जी हैं, और बड़ी कमाल की फिल्म बनने वाली है। कमाल के स्टार कास्ट है, खूबसूरत खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं। और इसके बाद मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ शोल, अद्भुत फिल्म। उस फिल्म का लुक देखिएगा मेरा, वो फिल्म की कहानी भी मैंने लिखी है, इवन मृत्युदंड की कहानी भी मैंने लिखी है जो मैंने इनको दी है। मैं अपने लिए रखा था यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैंने कहा रामा जी अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छे निर्माता हैं, खर्चा और से ज़्यादा करते हैं, तो उनको दिया मैंने कि ये करिए। और आप जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं प्रेम जी और अरविंद जी, ये दिल्ली के हैं, व्यवसायी लोग हैं, और बड़ी खूबसूरत सी एक फिल्म इन्होंने अभी हमारे साथ बनाई है। फिल्म का नाम है मिट्टी, तो मिट्टी की डबिंग किया और बड़ा मज़ेदार फिल्म बनाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों लोगों को। थैंक यू। इसी बीच में इन्होंने कहा कि यश भाई हमको एक और फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाइए। तो मैंने मेरे पास एक कहानी रखी हुई थी शोल की, टाइटल इन्होंने दिया, कहानी मैंने दिया, और वो एक अद्भुत फिल्म बनने जा रही है जिस फिल्म का नाम है शोल। तो शोल में भी एकदम डिफरेंट गेटअप है मेरा, और कहानी भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तीनों फिल्में अलग अलग कहानी में आएंगी। जैसे अघोरी में मैं अघोरी बनाऊँ, मृत्युदंड में मेरे दोनों पैर नहीं, मैं थ्रू आउट व्हीलचेयर पर दिखूँगा, और फुल एक्शन फिल्म है इमोशन के साथ। तो सोचिए जिस आदमी के दोनों पैर नहीं है वो एक्शन कर रहा है, तो ऐसे ही डिफरेंट हो गई। फिर शोल में एक अलग गेटअप में नजर आऊँगा, सन्यासी बन चुका हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के साथ क्या घटनाएं हुई हैं कि सन्यासी बन चुका है, किस तरीके से कमबैक करता है, तो बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बिना सवाल किए हुए मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। भैया बात में स्कूल की, जैसे मनोज वाजपेयी जी की एक स्कूल आई पुलिस इंस्पेक्टर की, आपको भी यही कहना, तो कहीं से वो कितना टच हो गया, कितना डिफरेंट उस कहानी में, इस कहानी में ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब कनेक्शन का सी भी नहीं है उसमें। वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। उस कहानी में मनोज वाजपेयी ने वास्तव में बड़ा कमाल का काम किया था, और वो फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई, बहुत अच्छी थी। उसका जो टच था, अनुराग कश्यप की टीम का था, आई थिंक ई निवास थे डायरेक्टर उससे, सॉरी अगर गलत हो तो, पर वो फिल्म मेरे बड़े दिल के करीब है। पर उस फिल्म का और इस फिल्म का कहीं वो नहीं, ये एक कमर्शियल एलिमेंट्स की फिल्म है, वो एक रियल टच की फिल्म थी। तो उसका पृष्ठभूमि बिहार था, इसका पृष्ठभूमि बिहार नहीं, लखनऊ के बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। शोल को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि शोल का एक्चुअल मीनिंग जो है हिंदी में वो चुभन है। तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर एक चुभन है जो किस तरीके से उससे बाहर निकलता है, उस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म है और मनोरंजक फिल्म है। इसको थिएटर में हम लेकर के भी आने वाले हैं, तो जिसको देखकर बहुत मजा आएगा। पारिवारिक के साथ साथ वो एक, सिर्फ उसको पारिवारिक कहना सही नहीं रहेगा, वो एक रिवेंज है, एक पारिवारिक ड्रामा भी है, रिवेंज भी है, और पूरे परिवार के साथ फिल्म बनने वाली है। और एक 10 साल की बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए हीरो का जो इमोशन है वो बहुत ही कमाल का है। एक औरत जिसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी है, समाज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है
कि एक पति, एक इंसान, एक मर्द 10 गर्लफ्रेंड रख सकता है, 4 बीवियां रख सकता है, तो भी कोई उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो मर्द है। लेकिन एक औरत का अगर पति ख़त्म हो जाए और उसने अगर जीवन दूसरी बार जीने की शुरुआत भी सोच भी ली, तो समाज का डर उसको किस लेवल तक लेके जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उस फिल्म में जो उस फिल्म को ख़ास बनाता है, जिस फिल्म का नाम है शूल। एंड मतलब मैं तो अब ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है, ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं तो हर फिल्म ही अलग अलग कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि शूल मेरी की हुई अब तक की फिल्मों में शायद वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक होगी। उसमें स्टाइल है, उसके कैरेक्टर में स्टाइल है। मैं नॉर्मली स्टाइलिश कैरेक्टर कम करता हूँ, पर वो कैरेक्टर बहुत स्टाइलिश है। वो फाइट भी करता है तो माउज़र से करता है, वो फाइट भी करता है तो वो अलग फ़ाइट करता है। उसका कैरेक्टर बड़ा अलग है इस फिल्म में। वो जो दारू पीता है वो बड़ा अलग स्टाइल में दारू पीता है। तो बहुत कुछ है जो शूल में देखने को मिलने वाला है, नया अपन निहाश कुमार। कैसे हैं आप? एक नंबर। आज आपकी कॉल फिल्म का मुहूर्त है और नाम ही है अघोरी जी। तो इसमें हम किस तरह की यामिनी जी को देखने को मिलेगा इस फिल्म में? कुछ नयापन या वही रिपीटेड? नहीं, नया ही है, एकदम नया ही सोचिए आप। स्टोरी के हिसाब से काफ़ी नया है। और पहले तो सभी लोगों को, मुझे देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अघोरी की ये टीम, एक्चुअली अघोरी की टीम तो नहीं कह सकते हैं ये लोग, और ये दूसरी टीम वाले भी हैं लेकिन ठीक है, हम सब लोग परिवार हैं। तो अघोरी की टीम की तरफ से आप सबको नमस्कार। और स्टोरी जो है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी है। जैसे कि टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि अघोरी, तो अगर मैं मतलब वन वर्ड बताऊं तो एक तरह से ये लव स्टोरी भी है, त्याग भी है और समर्पण, सब चीज़ें एक ही फिल्म में आपको दिखाई पड़ेगी। और जैसे कि यश सर हमारे हीरो हैं और वो तो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, तो इसके इस फिल्म के लिए स्पेशली उनसे बेटर कोई कैरेक्टर नहीं, कोई हीरो नहीं हो सकता था। तो वैसा आप नहीं, नहीं ये मैंने बोला ना, दूसरी पार्टी के लोग। अच्छा, दूसरी पार्टी मीन्स हमने आज मुहूर्त किया है 3 फिल्मों का, जिसमें अघोरी एक है, दूसरी है फिल्म मृत्युदंड। इन दोनों को रामा प्रसाद प्रोडक्शन रामा प्रसाद प्रोडक्शन में बनाई जा रही है। और तीसरी मूवी है शूल, जिसके प्रोड्यूसर मैं और अरविंद जी हैं, मैं प्रेम शंकर। तो इन तीनों में कॉमन एक बात है कि दो बातें कॉमन हैं प्राइम तौर पे। एक तो यश भाई तीनों फिल्मों में है और राजकिशोर प्रसाद राजू जी तीनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो इसलिए हमने तीनों फिल्म के डीओपी, हाँ तीनों हमने देखी है, हाँ मोरलेस। और स्टार कास्ट तो हर फिल्म में चेंज होने ही होने, तो इस वजह से आज चूँकि मुहूर्त किया है तो सब हमने सब हम साथ में हैं। शूल एक बहुत अच्छा हिंदी वर्ड है जो चुभन को बताता है। तो इस फिल्म के अंदर भी एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि एक चुभन है किसी कैरेक्टर के अंदर और उससे कैसे वो बाहर निकलता है। एक पूर्ण पारिवारिक फिल्म है। हमारी पहली फिल्म मिट्टी भी बड़ी अच्छे तरीके से मन से बनाई गई मूवी है, पूरी तरीके से पारिवारिक। ये भी पारिवारिक मूवी है और देख के सबको बहुत मजा आने वाला है। एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता है लीड एक्ट्रेस, एक और एक्ट्रेस हैं बट लीड में रक्षा गुप्ता जी। ये यहाँ हमारे फिल्म के बहुत ही हैंडसम हीरो जी का आगमन होते हुए जी, यामिनी जी क्या कहना चाहेंगे? एक साथ 4 फिल्मों का मुहूर्त हुआ और एक अभी अब शूटिंग उसका बैक ब्रेक होगी, क्या कहना चाहेंगे? जो एक प्रोडक्शन हाउस मिलकर इतना बहुत सिनेमा में कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा तो यही, मेरी शुभकामनाएं प्रोड्यूसर्स के साथ। इधर बैठिएगा कि उधर बैठिएगा? मैं तो कहीं नहीं, आप इधर बैठिए।